आज आलोकनाथ को सभी बाबूजी से पहचानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनको यह पहचान कहां से मिली? तो हम आपको बता दें कि छोटे पर्दे की टीवी शो बुनियाद से आलोकनाथ को बाबूजी बना दिया। 20 साल के आलोकनाथ ने बुनियाद के अंत होते होते इस शो में 80 साल के इस बुजुर्ग की भूमिका निभाई। वहीं अपने संस्कारी बाबूजी कुछ साल पहले अचानक से सोशल मीडिया के डार्लिंग हो गए थे। उनके संस्कार, आशीर्वाद और कन्यादान वाले जोक जमकर ट्रेंड हुए थे। दुनिया में किम कार्दाशियां को ब्रेकिंग द इंटरनेट का क्रेडिट जाता है, लेकिन भारत में पहले सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आलोकनाथ ही थे। तो चलिए आज हम आपका बताते हैं बाबूजी के नाम पर बने ये जोक्स, जिसे पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जब आलोकनाथ पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने कहा, बधाई हो बाबूजी हुए हैं, हम आपके हैं कौन? में आलोकनाथ को रीमा लागू से प्यार था और हम साथ साथ है में उन्होंने रीमा से शादी कर ली। आलोकनाथ अपनी पत्नी को समधन जी बुलाते हैं और आलोकनाथ को कभी कभी उनकी पत्नी भाई साहब के नाम से भी बुला लेती हैं। अगर आलोकनाथ बिग बॉस के घर जाएं तो हर सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा और माता रानी की आरती से होगी। रोहित शर्मा और डेल स्टेन को आलोकनाथ की फिल्में देखकर कुछ संस्कार सीखने चाहिए। आलोकनाथ पहले इंसान थे जिन्होंने पार्ले को पार्ले जी नाम दिया। आलोकनाथ सनबर्न फेस्टिवल में जाकर सूर्य नमस्कार करते हैं। बचपन में जब आलोकनाथ के टीचर ने उनसे पूछा कि बड़े होकर वे क्या बनेंगे, तो आलोक ने जवाब दिया, मुझे बेटियों का बाबूजी बनना है। स्कूल के दिनों में आलोकनाथ स्कूल से छुट्टी मारकर बेटियों की शादी में चले जाया करते थे। आलोकनाथ मोबाइल गेम टेम्पल रन खेलने से पहले अपने जूते उतार दिया करते हैं।